इसमें पांच अंग इन्वॉल्व है, और ये पांच ज्योतिष के ही अंग है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं पंच महाभूत, तो सेम तरीके से ये पंचांग है। और मुहूर्त तो एक ऐसा एलिमेंट है जिसका हर जगह यूज होता है। मुझे कुछ भी नया कार्य शुरू करना है तो मुहूर्त का काफी महत्व है। और ये मुहूर्त हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी एज ए ज्योतिष आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मुझे कुछ काम शुरू करना है तो मैं ये पंचांग का यूज करके मुहूर्त कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, और मैं ज्यादातर इंग्लिश में रखूंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा अगर डाउट है किसी को तो इंग्लिश में भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, जहां पे भी डिफिकल्टी होगी आप बोल देना। तो आयन करके एक होता है जिसको हम लोग उत्तरायन और दक्षिणायन करके बहुत प्रसिद्ध है, सबको पता होगा शायद। इसको नॉर्दर्न वर्ब मूवमेंट भी बोलते हैं या साउथ वर्ब मूवमेंट भी बोलते हैं। तो बेसिकली अपना जो वैदिक ज्योतिष है इसमें सौर माना और चंद्र माना, मतलब सौर मंथ या सूर्य का मंथ, और चंद्र मंथ या चंद्र माना मतलब चंद्र मास जिसको कहते हैं, ये बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, अपने हिंदू धर्म में हम लोग चंद्र मास ही फॉलो करते हैं, हालांकि इसमें थोड़ा डिफरेंस है। इंडिया में कई जगह अमावस्या से अमावस्या कंसिडर करते हैं, कई जगह पूर्णिमा से पूर्णिमा कंसिडर करते हैं, बट ओवरऑल अपना जो भी हिंदू धर्म है वो चंद्रमाना या चंद्र मास फॉलो करता है। इसमें हम लोग यहाँ से इसलिए चालू कर रहे हैं क्योंकि ये जब तक अपने को पता नहीं होगा ये उत्तरायण क्या होता है, दक्षिणायन क्या होता है, ठीक है, तब तक हम लोग ज्योतिष का महत्व क्या है वो हमको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं इसको जस्ट एक टच करूंगा, बाद में हम लोग पंचांग की तरफ जाएंगे। तो उत्तरायण और दक्षिणायन काफी माइथोलॉजिकली भी काफी इनका महत्व है। जैसे आपको सबको पता होगा भीष्माचार्य जब धनुष पे लेटे हुए थे तो जख्मी अवस्था में भी उन्होंने जो पूरा युद्ध था वो बाणों के शैया पे गुजारा था, और उन्होंने प्राण नहीं त्यागे थे। भले उन्होंने रीजन ये बोला था कि जब तक हस्तिनापुर सुरक्षित हाथों में ना जाए मैं प्राण नहीं त्यागूंगा, बट उसका एक और रीजन है, जब वो बाण शैया पे थे तब दक्षिणायन चल रहा था, और दक्षिणायन एज ऑस्पिशियस नहीं समझते,